हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, एक और वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसका नाम है ग्राम सचिव। ग्राम सचिव की पोस्ट निकली है, टोटल अप्रोक्सीमेटली 697, मतलब टोटल 700 लेके चलो, 700 पोस्ट आउट हो चुकी है। तो मुझे लगता है पहला स्टेट ऐसा होगा हरियाणा, जहाँ पे इतनी वैकेंसीज निकल रही है। नहीं तो किसी भी स्टेट में इतनी वैकेंसी निकलती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही है। तो आपके लिए बहुत ही कोई अच्छी 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 न्यूज़ है ये, तो प्लीज़ इसे अप्लाई करना। सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन आज ही हुआ इसका, 14 जून को, और ऑनलाइन डेट जो एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं वो 19 जून है। क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो 3 जुलाई 2019 12 बजे तक, और जो फीस की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2019 है। ठीक है, आइए बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले पोस्ट कितनी कितनी हैं। जनरल कैटेगरी की 287 है, एससी की 162 है, बीसीए की 107, बीसीबी की 74 एंड ईडब्ल्यूएस की 67 पोस्ट हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए आपको। तो ग्रेजुएट चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आप ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है, चाहे बीए किया हो उसने, बीसीए किया हो, बीकॉम किया हो, ठीक है, और बीटेक किया हो, बीई किया हो, तो वो सारे एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और आपको मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और हायर, आपने मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत या फिर हायर एजुकेशन में इन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एज कितनी है, 17 से 42 ईयर्स, और पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 तक है। तो ये कैनल पटवारी की तरह ही है इसका पे स्केल भी, तो बहुत अच्छी एक अच्छी पोस्ट है, वाइट कॉलर जॉब है। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन वही है सब जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। ठीक है, और फी भी इसकी वही है, मेल के लिए कितनी है, 100 रुपीज़ है, और फीमेल जनरल के लिए 100 है अगर वो और स्टेट के हैं। ठीक है, लेकिन अगर हरियाणा डोमिसाइल है तो फिर उसके लिए 50 है, और जो एससी बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं उनमें मेल के लिए 25 है और फीमेल के लिए ओनली 13 रुपीज़ है। मुझे इसको 13 रुपीज़ को देख के पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है, क्योंकि 13 रुपये में फॉर्म मिल रहा है तो बहुत ही, क्योंकि हम जनरल कैंडिडेट्स का तो जैसे बैंक वगैरह में होता है 600-700 रुपीज़ फ़ीस होती है, तो यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं आपके स्टेट में, तो बहुत ही अच्छा है, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए इसे। ठीक है, और वही है, यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन 90 और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स हैं। ठीक है, वही सब है इसमें भी, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था पटवारी का सिलेबस उसी टाइप का, इन सब का वही सिलेबस है, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, तो ये डिस्कस करना था फ्रेंड्स, ग्राम सचिव की ये पोस्ट हैं, टोटल 697 है, 697 पोस्ट हैं, और अप्लाई डेट आप 19 जून से, मैं आपको कह रही हूँ एक पेज लो और उस पर अप्लाई कब से करना है वो डेट लिखो, और लास्ट डेट कब है वो डेट लिख लो, ताकि आप पहले इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, मैं तो कहती हूँ 19 जून से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, लेकिन होता है कि फर्स्ट डे में सब सोचते हैं कि हम भर दें, तो साइट मुझे लगता है उस टाइम डाउन रहती है, तो चलो 19 को नहीं तो 20 को तो अप्लाई कर ही दो आप। ठीक है, तो बहुत अच्छी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये आप सबके लिए, बैक टू बैक वैकेंसी आई जा रही है, अब तो ग्रैब करो इसको। ठीक है, इस साल नहीं तो फिर कभी नहीं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोग पढ़िए, अब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वैकेंसीज़ की कोई कमी नहीं है, बैक टू बैक आ रही है। ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और बस यही मुझे आप सबसे डिस्कस करना था फ्रेंड्स, और अगर आपको और ये कुछ भी आपको पूछना होगा इसके बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।